हेलो दोस्तों दोस्तों युगांडा पूरी दुनिया का सबसे अजीब देश है। युगांडा की भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति, धर्म और व्यवसाय उसको पूरी दुनिया से अलग बनाती है। युगांडा को गोरिल्लाओं का देश भी कहा जाता है। यहाँ रहने वाले गोरिल्ला प्रजाति की संख्या आज पूरी दुनिया में 700 के करीब ही बची है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे युगांडा के बारे में। युगांडा पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक देश है जिसकी राजधानी कंपाला है, जिसे पूर्वी अफ्रीका के सबसे अच्छे शहरों में से एक माना जाता है। ये बात शायद आपको हैरान कर दे कि आज तक यहाँ की सरकार किसी भी फूल को नेशनल फ्लावर नहीं बना पाई है। युगांडा देश में मलेरिया फैलाने वाले मच्छर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। युगांडा की सरकार प्रकृति के बहुत ही ज्यादा करीब है, इसी वजह से यदि आपने गलती से एक पेड़ को काट भी दिया तो इसकी भरपाई करने के लिए आपको 3 पेड़ उगाने होंगे। युगांडा को बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की महिलाएं बहुत ही कम उम्र में शादी कर लेती हैं और बच्चे पैदा करना शुरू कर देती हैं। यहाँ हर एक महिला के पास कम से कम 6 बच्चे होते हैं। वैसे भी युगांडा एक पछात देश है और यदि उन्होंने युगांडा की बढ़ती जनसंख्या पर रोक नहीं लगाई तो बहुत ही जल्द वहां के ज्यादातर लोग भूखे प्यासे और बेरोजगार रह जाएंगे। इस देश की आधे से ज्यादा लोक संख्या 14 साल से कम उम्र की है, इसीलिए इस देश को सबसे जवान उम्र वाले लोक संख्या वाला देश माना जाता है। इस देश में ज्यादातर घर मिट्टी के बने हुए हैं। साल 2016 की गिनती के अनुसार युगांडा की जनसंख्या करीब 4,15,00,000 है। युगांडा में बहुत सारी झीलें और नदियां हैं, इसीलिए यहां पर पीने लायक पानी की कोई समस्या नहीं है। युगांडा की महिलाएं किसी को बुलाने के दौरान उसका नाम लेने के बदले सीटी जैसे शब्द का इस्तेमाल करती हैं। युगांडा में अधिकतर लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। युगांडा में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मोटरसाइकिल का उपयोग टैक्सियों के रूप में करते हैं। युगांडा एक बहुत ही गरीब देश है और यहाँ की एक बड़ी आबादी दिन में 70 रुपए से भी कम कमाती है और यहाँ की इनकम सबसे ज्यादा खेतों द्वारा की जाती है। युगांडा विश्व के सबसे गरीब और अविकसित देशों में शामिल है। युगांडा की एक बड़ी आबादी HIV का शिकार है और इसकी वजह युगांडा के लोगों का अशिक्षित माना जाता है। युगांडा के प्राकृतिक नजारे का लुत्फ उठाने के लिए हर साल 8,00,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ आते हैं। एक अनुमान के मुताबिक युगांडा में अफ्रीका के अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा शराब पी जाती है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति हर साल करीब 12 लीटर शराब पीता है। युगांडा के एक चर्च को दुनिया का सबसे छोटा गिरजाघर माना जाता है। यहाँ पर सिर्फ एक साथ 3 लोग ही खड़े हो सकते हैं। अफ्रीका की सबसे फेमस नदी नील नदी का जन्म भी युगांडा की धरती से ही हुआ था। युगांडा में पढ़ने वाले लगभग 85% बच्चे 7वीं क्लास ही पास कर पाते हैं। युगांडा में माउंटेन गोरिल्ला दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इन गोरिल्लाओं की आधे से ज्यादा प्रजाति युगांडा के नेशनल पार्क में रहती है। युगांडा में 30 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन यहाँ की राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश को बनाया गया है। युगांडा में चलने वाली करेंसी शिलिंग है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर से मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।